हेलो फ्रेंड, वेलकम माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरजे 18 आला आर मिलो। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आज एक और भर्ती का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो 2AC साउथ सेंटर बेंगलोर, 180C नॉर्थ सेंटर बेंगलोर का एक और ट्रेड का आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो ट्रेड रहने वाली है वो नोवी ट्रेड रहने वाली है। इसके बारे में हम कम्प्लीट डिस्कस करने वाले हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट में बड़ा बदलाव रहने वाला है। किस ट्रेड का आज एडमिट कार्ड जारी किया गया है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाली है, कितने घंटे का पेपर आने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। साइड में बेल आइकन दे रखा है, उसे प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों, जब भी कोई भर्ती के एडमिट कार्ड आउट होते हैं, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होते हैं। जब भी कोई रिजल्ट आउट होता है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है भर्ती का, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है विथ नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये ऑनलाइन एडमिट कार्ड रहने वाला है। फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे, इसके एडमिट कार्ड ऑनलाइन आने वाले हैं। चलो दोस्तों, हम जो एडमिट कार्ड रहने वाला है उस एडमिट कार्ड की ओर लेके चलते हैं। जो एडमिट कार्ड रहने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये एडमिट कार्ड रहने वाला है कोलेटर फॉर रिटन टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट MTS चौकीदार का आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट नेम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, आधार कार्ड नंबर, DOB दे रखा है मैंने, इसको ऐड कर दिया गया। UR रिक्वेस्ट रिपोर्ट आपको AC सेंटर साउथ बेंगलोर में रिटर्न एग्ज़ाम के लिए रिपोर्ट करना है। जो ट्रेड रहने वाली है वो MTS चौकीदार की रहने वाली है। जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है उसमें काफ़ी बदलाव है। 5 सितंबर को एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। जो आपको रिपोर्ट करना है सुबह 6 बजे से करना है, आपको 6 बजे वहाँ पर एंट्री करनी है। 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू रहने वाली है, जो 12 बजे तक एग्ज़ाम रहने वाली है। लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे तक। लोकेशन रिपोर्टिंग टाइम आपको 4 नंबर गेट से AC सेंटर में आपको रिपोर्ट करना है। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो प्रिंट आउट जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ रहा है वो लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना, ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST OBC से हो तो आप, EWS कैटेगरी से हो तो आप वो सर्टिफिकेट लेके जाना। PW कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। ड्यूटी COVID-19 का आपको पालन करना है। आपको मास्क विल बी वरिंग ऑल टाइम, आपको जब एग्ज़ाम रहता है तब आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। आपको सैनिटाइजर लेकर जाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। विल बी कैरी क्लिप बोर्ड और रिक्वायर्ड सैनिटाइज, आपको सैनिटरी बॉक्स लेके जाना है। जो क्लिप बोर्ड है वो लेके जानी है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। बॉल पेन लेके जाने टू ऑल अब वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी फिलिंग विच यू आर विल अलाउ, आपको बिना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये एडमिट कार्ड रहने वाला है MTS चौकीदार का। जब भी कोई एडमिट कार्ड नया आउट होगा तो हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जो 8 ट्रेड के एडमिट कार्ड जारी किए हैं वो आप देख सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड के जारी किए हैं। दोस्तों, इसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो 150 नंबर का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 0.4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैथ है, रीजनिंग है, GK है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारे